भारत की टीम में कोई बदलाव नहीं है, यह है भारत की प्लेइंग 11। अब बिल्कुल देखिए, चेंज करने को कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका आपके जो जितने भी बैट्समैन हैं अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर यह है कि आज आपको मौका मिला है बैटिंग करने का, तो आज थोड़े से रन बनने दिखाई देने चाहिए आज, क्योंकि मेरे को क्या लगता है कि बॉम्बे की फ्रेश विकेट के ऊपर ज्यादा अच्छी बैटिंग होगी, क्योंकि बॉल आता बहुत अच्छा है। बॉल आता है और जाता भी है, जितना अच्छा आता है उतना ही अच्छा जाता भी है। जाता है क्योंकि देखिए सुरेश ने जो कहा है ना कि उनके पास 2-3 बॉलर हैं शुरू में, और एक मधुशंकर जो लेफ्ट हैंड जो फास्ट बॉलर है वो काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, चमेरा है, उसने भी अभी उन्होंने पहला ही मैच खेला था, लास्ट मैच खेला था, उसके बाद रंजीत था, तो ठीक है बॉलिंग अटैक, बट फ्रेश विकेट के ऊपर दे कैन बी लीथल लिटिल बिट, यू नो थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, बट ऐसी कोई बात ही नहीं है कि भारतीय टीम जो है रन ना बनाए इस विकेट के ऊपर। ये है भारत की 11, कोई बदलाव नहीं है। हालांकि कल सुरेश रोहित शर्मा ने कहा था कि देखिए हमारे पास तीनों स्पिनर्स खिलाने की ऑप्शन है, मतलब रविचंद्रन अश्विन की भी बात हुई, तो वो ऐसा लगा शायद ड्राई विकेट होगा, हो सकता है उनको मौका मिले, लेकिन इसमें मुझे ये भी सोच दिखती है कि हम किसी मैच को हल्का क्यों लें, किसी मैच को हम हल्का क्यों लें कि चलो बुमराह को आराम करा दो, भाई आराम आप क्यों करवाओ। नहीं बिल्कुल सही बोला आपने, और मुझे लगता है कि जैसे विनिंग कॉम्बिनेशन चला आ रहा है बहुत जरूरी है, चेंज तभी होगा विक्रांत पाजी जब हार्दिक पांड्या फिट होके आएंगे वो, तब जितना जल्दी वो आके खेलेंगे चाहे 12 तारीख को या 5 तारीख को, उनकी फिटनेस पे भी एक बातचीत होगी जब आगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ सेमीफाइनल से पहले उनको एक मौका मिल जाए लीग स्टेज पे, जहाँ पे वो रोहित फिर एक रेक्टिफाई कर लें कि मेरे ये 3 बॉलर हैं, मेरा ये ऑलराउंडर खेल सकता है, सूर्य बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो ये बड़ा सवाल होगा आने वाले टाइम में किस तरीके से रोहित शर्मा ये कॉल लेते हैं। लेकिन गिल के लिए बहुत अच्छा चांस है आज, 150 बनाया, वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट पुणे में, आज कर सकते हैं कोशिश। आई थिंक किसके अगेंस्ट बनाया था गिल ने 50, श्रीलंका नहीं साउथ अफ्रीका, मेरे ख्याल बांग्लादेश।